हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे इस वीडियो पे कुंभ लग्न वृश्चिक राशि। यदि आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं, वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं, तो 2023 कैसा जाएगा आपके लिए, इसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों की बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, तो बात नेत्रों की। और जिसके पास आंखें नहीं हैं वो खुद भी गिरेगा और आपको भी गिरा देगा, इसलिए आंखें खोलिए। कुंभ लगन, कुंभ लगन का मतलब है धनिष्ठा सतविषा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। कुंभ लगन में आप हैं, राशि यद्यपि आपके वृश्चिक है लेकिन फिर भी 2023 आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाएगा। छा जाएंगे आप, कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए उड़ान भरने के लिए, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, यदि यह अलग बात है कि और लोगों की अपेक्षा गति आपकी कम है, जो गति आपको मिलनी चाहिए उस गति से थोड़े से दूर चल रहे हैं, ये एक अलग बात है। देखिए कारण क्या है कि शनि महाराज 30 साल के बाद आपके लगन में आ रहे हैं, तो अब आपकी उम्र अगर 20 में 30 वर्ष 25 साल के आसपास है तो शनि सोचेंगे भाई इसको दे के चलो, अगली बार आएंगे तो 50 साल बाद आएंगे, 60 साल बाद आएंगे, तो इसको क्या देंगे। आप 40 साल के हैं तो शनि आपको सब कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि आप 70 साल के बाद शनि आपको देंगे तो आप लेंगे नहीं। इसलिए शनि महाराज आपकी कुंडली में पूर्णतया सस्य योग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब चंद्रमा वीक हो जाए तो सारे योग जो होते हैं वो क्रिएट होते होते रह जाते हैं। मिसाइल तो तैयार हो जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती, काम तो बनते हैं लेकिन अवरोध आ जाते हैं। लेकिन इस बार मिसाइल चलेगी, इस बार काम बनेगा। तो आपके जो राशि है उसमें तीन नक्षत्र बलवान होते, तीन नक्षत्रों की शक्ति लेके चलती है, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तो यदि आप अनुराधा में पैदा हुए हैं तो अनुराधा का जो स्वामी है शनि वो बलवान है, तो कोई डाउट ही नहीं है आपके लिए विशेष लाभप्रद योग है। आप विशाखा में हैं तो विशाखा का स्वामी गुरु भी बलवान है, स्टार्टिंग में धन के घर में है, उसके बाद वो चले जाएंगे पराक्रम के घर में, सेल्फ मेड योग बनाएंगे। कौन सा योग बनाएंगे, सेल्फ मेड योग बनेगा आपके लिए, स्वभुज बल निर्मित योग, बेहतर परिणाम है। ज्येष्ठा में यदि आप हैं तो आपके जो बुध महाराज हैं वो पंचमेश और गुप्त विधाओं के जानकार हैं, गुप्त विद्या उनको है, तो गुप्त विद्या होने से गुप्त तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए आपके राशि में होता क्या है कि पिताजी सपोर्ट नहीं करते, पिता का सपोर्ट नहीं मिलता सीधे सीधे। आप ऑफिस में बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन आपके ऑफिस में आपकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, लोग मानते ही नहीं कि आप बेहतर काम कर सकते हैं, लोगों की नज़र में आप पिछड़े हुए हैं। यद्यपि उनको पता है कि बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन आपको प्रशंसा के दो शब्द उनके मुख से निकलेंगे नहीं। सामने लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं, हर व्यक्ति आपकी टांग खींचने पर लगा है। मतलब आप अधिकारी हैं तो आपका जो गेट खोलने वाला बंदा है ना, वो भी आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करेगा। फोर्थ का आप वन क्लास कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास का कर्मचारी भी सोचेगा कि साहब को फंसा देता हूँ या परेशान कर देता हूँ, ऐसा आपका ओरा जो है क्रिएट होता है, उस ओरा की वजह से उसको करने का बल मिलता है। लेकिन इस बार 2023 में जो शनि महाराज सस्य योग क्रिएट कर रहे हैं, अब सस्य योग क्रिएट करने का मतलब है कि आपको ऐसी शक्ति मिल रही है कि लोग डरेंगे, खौफ खाएंगे। भाई आप नॉर्मल कोई भी अधिकारी हैं लेकिन आप एसपी बन जाइए, एसएसपी बन जाइए, तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं करेंगे, पता है 2 मिनट में स्थानांतरण, 2 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, ये खौफ होता है। तो शनि का यहाँ पर खौफ विद्यमान रहेगा। शनि क्योंकि सतविषा नक्षत्र में जाएंगे और सतविषा क्या होता है, जादूगर नक्षत्र है, सतविषा डॉक्टर का नक्षत्र, इलाज करना जानता है, सतविषा इलाज करना जानता है,
तो आप इस बार सर्प का फन कुचलना जानते हैं। सर्प का फन कुचल ही देंगे, उसके विष दंत को उखाड़ देंगे। तो 2023 आपके जो शत्रुओं के लिए है वो बहुत खराब जाएगा। शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, शत्रुओं को फिनिश करेंगे, शत्रुओं को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। कारण देखिए, एक और सपोर्ट कर रहा है आपकी कुंडली में, आपके राहु महाराज थर्ड हाउस में जा रहे हैं। थर्ड हाउस का राहु मित्रों का है, थर्ड हाउस का राहु बंधु बांधवों के सपोर्ट का है, थर्ड हाउस का राहु पराक्रम का है। यहाँ पे राहु महाराज केतु के अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र मतलब योद्धा नक्षत्र, आपको लड़ने की गजब की शक्ति आपके अंदर होगी, क्षमता होगी, आप लड़ सकते हैं, आप हार नहीं मानेंगे। घोड़े को देखा है ना आपने, घोड़ा कभी हार नहीं मानता, तो राहु अश्विनी नक्षत्र में होने से कभी हार नहीं मानेगा। यहाँ पे गुरु भी राहु को सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि धन मिले, गुरु लाभेश है, गुरु धनेश है। और जो जिसका मंत्रालय होता है ना, वो अपने मंत्रालय को ग्रोथ चाहता है, क्योंकि उसका डिमोशन ना हो, प्रमोशन हो। तो गुरु भी राहु को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे भाई अड़चनों को हटाते हैं, अड़चनों को मिल के हटाते हैं। ऐसे जो गुरु महाराज हैं राहु का सपोर्ट लेके, पंचम दृष्टि आपके व्यापार के घर पे रखेंगे, तो चाहे आपको जोड़ तोड़ करके ही व्यापार करना पड़े, व्यापार में प्रगति दे देंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे है, तो भाग्य वृद्धि में सपोर्ट करेंगे। और नवम दृष्टि अपने निज राशि धनु पे है, तो वो लाभ के और मार्ग खोजने की कोशिश करेंगे, लाभ के और मार्ग खोज कर आपको दे देंगे। यहाँ पे बल क्या मिलेगा, बल मिलेगा कि शनि जो लग्न है, मतलब राजा, लग्नेश मतलब क्या, लग्नेश मतलब राजा, तो राजा जो है स्वतः राहु के नक्षत्र में होगा, सतविशा नक्षत्र में, खुद उसके पास बुद्धि होगी, दीवाल के आर पार देखने की क्षमता होगी। तो वो राहु को और गुरु को तृतीय दृष्टि से देखेगा, बोलेगा चिंता मत करो गुरुदेव, मैं हूँ। राहु को ही बोलेगा टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, खुले ढंग से काम करो, जिसको जो दंड देना है दंड दो, मैं देख लूँगा। और ऊपर वाला अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी को ये आश्वासन दे देना कि तू काम कर, मैं देख लूँगा। SP किसी थानेदार को बोल दे कि जिसको प्रॉब्लम में ठोक दे, मैं देख लूँगा। जैसे UP में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने खुली छूट दे दी, जिसको अगर फालतू लगता है ना गुंडा टाइप, ठोक दो, मैं देख लूँगा। उसके बाद जो कांस्टेबल है, होम गार्ड जो है ना, वो खुद को थानेदार समझ कर ठोकना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में, यहाँ पे राहु को असीमित शक्ति मिल जाएगी, और राहु ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, पुराना बदला लेगा, 3 साल 5 साल पहले तुमने ये किया था, आ जाओ निपटाता हूँ तुमको। तो यहाँ पे आपको शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, निश्चित रूप से 2023 में आप शत्रुओं पर प्रभावी होंगे, नौकरी के क्षेत्र में आप गतिमान होंगे, गति मिलेगी, व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह समय अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। शनि के तृतीय दृष्टि जहाँ आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, वही शनि की सप्तम दृष्टि पिता के घर, सूर्य के घर पर होने से व्यापारिक रिश्ते ठीक होंगे, और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा था ना, उसको भी शनि ठीक करेंगे। वहीं दशम दृष्टि मंगल की राशि पर होने से और अपने अनुराधा नक्षत्र होने से आपको प्रमोशन दिलाएंगे, पिता से मान सम्मान, मतलब पिता का सपोर्ट, पैतृक संपदा का लाभ मिलेगा। सीधा सीधा क्या कहें, पैतृक संपदा का लाभ मिलेगा। प्रमोशन का जो अवसर अभी आप चूक जा रहे थे, इस बार मत चूको चौहान, इस बार आप नहीं चूकेंगे, इस बार लाभ होगा। आपके कुंडली में बुध महाराज का ज्येष्ठा नक्षत्र भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्त तरीके से आप शत्रुओं में प्रभावी होंगे, गुप्त तरीके से धनार्जन करेंगे, क्योंकि कुंभ गुप्त है, कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा, और घड़े के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, रहस्य क्रिएट करना, रहस्य बना कर रखना, रहस्यात्मक हो जाना आपकी इष्टा शक्ति है, आपकी ये मेन शक्ति कह लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके साथ और एक खास बात क्या हो रही है कि सतविशा नक्षत्र मतलब भेषजा शक्ति, दुश्मनों की चाल को आप पहचान लेते हैं, पहले ही उनकी योजनाओं को जान लेते हैं, और वातावरण क्रिएट करने की क्षमता है, जैसा आप वातावरण चाहो वैसा क्रिएट कर ले जाओगे, जादूगर टाइप हो आप, तो आपका जादू सर चढ़कर बोलेगा 2023 में। क्या करें, धनु लगन है, वृश्चिक राशि है, धनु लगन वृश्चिक राशि, लग्नेश आपके लगन में आ रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष बेहतर जाएगा,
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं आएगी। परेशानी थी तो परेशानी दूर हो जाएगी। धन संबंधी परेशानियां भी यहाँ दूर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि गुरु भी धन देते देते अचानक राहु के साथ चले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप धन के दृष्टिकोण से देखें तो सफ़ेद पुखराज पहनना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। यद्यपि कुछ लोग कहेंगे कि गुरु आपके आयस हैं और द्वितीयस हैं तो मार्केस बनेंगे, इसीलिए हमने आपको पीला पुखराज नहीं कहा, सफ़ेद पुखराज कह दिया, ठीक है ना। खीरा सरते काटिए ताते नमक लगाए, सुना है ना आपने, तो उसका जो पीलापन है वो हमने हटा दिया, मतलब मारक क्षमता हटा दिया। तो सफ़ेद पुखराज पहनेंगे तो जो पुखराज का भी काम करेगा साथ में शुक्र के लिए उपयोगी होगा, डायमंड का काम करेगा, तो आपके सुख सुविधा को बढ़ाएगा और आपके भाग्य को बढ़ाएगा, धन बढ़ाएगा, संचित धन को बढ़ाएगा, पिता से लाभ देगा, मित्रों से लाभ देगा और सरकार से लाभ देने वाला होगा। इतनी चीज़ें आएंगी, एक सफ़ेद पुखराज पहनना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। बकाया सूर्य की आराधना करना आपके व्यापार में प्रगति देने वाला होगा। अधिक जानकारी के लिए, रत्नों के लिए आपको ग्रह के स्थिति को देखना पड़ेगा, कितने अंश पे है, किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र अधिपति कहाँ है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए समर्पित है, काम करेंगे। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।